हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एमयू सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है। काउंसलिंग शेड्यूल जैसे ही आ जाता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, या फिर वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं emucontrollerexams.com पे। ठीक है, यहाँ पे आपको शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होंगे, ये आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि काउंसलिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं, जो आपको अपलोड ही करने होंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जिन्हें आपको अपलोड ही करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट इज मैंडेटरीली required to upload the following color scanned copies both side if back side is not blank, yani ki marksheet ke dono side ka aapko photo lekar ke upload karna hai pdf। abhi hum baat karenge ki kis format pe upload karna hai, lekin aap dekh sakte hain yahan pe both side ki scan karke aapko upload karna hai। ye mandatory document mein hai, class 10th ki marksheet jo hai ye aapko upload hi, agar ye aap nahi upload karenge to fir aap counseling nahi attend kar sakte। dusra jo document hai special category certificate, yani ki agar aap obc hain ya fir ca category hai child of alumni, ya fir ce category hai child of employee, ya fir scst hai शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रिप्स, ये कोई भी आपके पास स्पेशल कैटेगरी है तो आपको अपलोड करना ही करना है। ठीक है, और बाकी क्लास 10th की मार्कशीट, ये दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में है, इससे आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। ये दो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे, फोटो और सिग्नेचर, चार ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपका जो है काउंसलिंग हो जाएगा। लेकिन और भी जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट मे आल्सो अपलोड, यानी कि इसको भी अपलोड कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं है तो भी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मे लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, और मार्कशीट्स ऑफ अदर एग्जामिनेशन, तो आप अभी तक कोई एग्जाम और पास किए नहीं है, हाई स्कूल आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और बाकी जो आपको फॉर्मेट है किस फॉर्मेट में करना है, तो फोटो और सिग्नेचर वो आपको जेपीजी जेपीईजी या फिर बीएमपी फॉर्मेट में करना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पीडीएफ जेपीजी या जेपीईजी में कर सकते हैं, यानी कि फोटो और सिग्नेचर आपको जेपीजी या जेपीईजी में करना है, और जो मार्कशीट है और मार्कशीट और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आप पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं या फिर जेपीजी या जेपीईजी में भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया, डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। ठीक है, और आपको काउंसलिंग कैसे करना है, जैसे शेड्यूल आ जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन काउंसलिंग कैसे करना है उसके लिए आप जब पोर्टल ओपन करेंगे तो पोर्टल पे आपको कुछ इस तरीके का रजिस्ट्रेशन करने को दिखेगा। पहले इस तरीके का आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन तो आपके पास मालूम नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। यहाँ से देखिए रजिस्टर हेयर, तो आप जब रजिस्टर पे जाएंगे तो उसके बाद आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रोल नंबर इंटर करना होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, ये आपको कहाँ से मिलेगा, हॉल टिकट से मिल जाएगा। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, एक और चीज़, और अगर कोई 11th की काउंसलिंग ऑलरेडी कर रखा है तो रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर और DOB जैसे ही इंटर, ये करने की जरूरत नहीं होगी उसको, जो ऑलरेडी कर चुका है, मतलब 11th रेगुलर वाली काउंसलिंग कर चुका है या डिप्लोमा जो भी काउंसलिंग अगर किया हुआ है, तो उसको email ID और पासवर्ड वो डायरेक्ट लॉग इन कर सकता है, उसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसका सब कुछ अपलोड आ जाएगा, और जब काउंसलिंग में जाएगा तो ऑलरेडी दिखा देगा दोनों का अलग अलग करके, एक रेगुलर वाला और ये सेल्फ फाइनेंस का, दोनों दिखा देगा। तो आप मतलब कर सकते हैं बहुत इजीली। एक और चीज़, डॉक्यूमेंट्स में इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करें तो इंटरनल को तो TC और कैरेक्टर ये तो अपलोड ही नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं अपलोड करना है, क्योंकि वो तो यहीं का स्टूडेंट है। ठीक है, बाकी एक्सटर्नल स्टूडेंट है तो वो अपलोड कर सकता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे जब जाएंगे, रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, email ID डालना होगा, इसको वेरीफाई करना होगा, OTP जाएगा, और मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे उस पर भी OTP जाएगा, वेरीफाई कर देंगे आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं, लॉग इन के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसके बाद 2 या 3 दिन वो लोग टाइम लेंगे चेक करने के लिए, चेक करेंगे उसके बाद अगर कोई इशू होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको हमेशा क्या करना होगा, जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग के टाइम पे
आपको हमेशा ऑनलाइन काउंसलिंग स्लैश एडमिशन पोर्टल, आप अपना पोर्टल जो है लॉगिन करके जरूर चेक करते रहें, दिन में एक या दो बार कोई भी डॉक्यूमेंट में इशू आएगा तो वो वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं या जो भी इशू होगा वो कर सकते हैं। तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा उसके बाद 2 या 3 दिन बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा। तो पेमेंट में आपको 25,000 पेमेंट करना है सेल्फ फाइनेंस की, और उसको आप पीसी से करिएगा, मोबाइल से मत करिएगा, ठीक है। मोबाइल से करेंगे तो आपके लिए इशू आ सकता है। एक और चीज़, अगर कार्ड के बजाय आप जो है उससे करेंगे, यूपीआई से करेंगे, तो आपके लिए हो सकता है टैक्स जो लगता है वो आपका बच जाएगा, तो यूपीआई से आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी मैंने ये सब बता दिया डिटेल में, काउंसलिंग कैसे करनी है, और जैसे ही वीडियो आ जाता, जैसे ही शेड्यूल आ जाता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर के, एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।